मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा किस तरह यासिन जो है वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से ही है। तो तैयब भाई ने हेयर कट करवाए और काफ़ी अच्छी लगी है माशाल्लाह। तैयब भाई किसने कटिंग की? ये भी निकल रहे हैं, ये जा रहे हैं फुल रेडी होके। हाँ आ रही है 25 मिनट बाद। 25 मिनट बाद आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ। वालेकुम गाइस, कैसा है सब? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे ठीक हो, कि मैं भी ठीक हूँ। तो आज वकार भाई मेरे घर आए हुए थे और उनका व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज के व्लॉग के अंदर मैं आपको नज़र यहीं पे आऊँगा और थोड़ी देर और तक आऊँगा शायद से, तो और उसके बाद वकार भाई चले जाएँगे, मैं चला जाऊँगा। मैं जाऊँगा मम्मा पापा वाले के साथ 14 अगस्त का, जो मेरे कपड़े वगैरह वो लेने। और अभी वकार भाई और जो है आए जा रहे हैं मुर्गियों को देखने। एक मुर्गा ही है। हेलो गाइस, कैसे हो? और इनके पिंजरे के अंदर भी पानी हो गया। और अभी जो है मुस्तफा जा रहे हैं अपनी 14 अगस्त की शॉपिंग करने। और मैं भी कहाँ जा रहा हूँ? आप भी अपनी 14 अगस्त की टी शर्ट खरीदने जा रहे हैं। और आयत भी जो है क्या आयत जा रही है? अच्छा, वो सानहारा ने झंडियाँ लगाई दिया ना, वो देखो सामने झंडियाँ लगी थी ना उनकी 14 अगस्त से पहले। हाँ, वहाँ पे मैं बहुत बड़ा झंडा लगा दूँगा। और आपको एक बात बताऊँ, हमारा घर एक स्पेशल घर है, क्योंकि ना हमारे घर के छत पे ना फ्री की बॉल जाती है। देखो कोई भी इनके गली में खेलते हैं उनकी बॉल आ जाती है, फिर वो लेने नहीं आते। ये भी पड़ी है, वो भी पड़ी हुई है, वो प्लास्टिक वाली सॉरी। और बेड के नीचे भी पड़ी हुई है, वो पड़ी है बॉल है, और वो मेरी फुटबॉल फट गई है। ड्रॉप द कैच। चलो अगेन ट्राई अगेन। वाओ नाइस कैच। तो ये बॉल गई, नहीं आ गई। नॉट माय टर्न। ये था कि ये बॉल मेरे ख्याल से गई, नहीं कैच हो गई। आयत को भी पकड़ना है, ये बॉल को इसे फुटबॉल कर। हाँ जी अभी मुस्तफ़ा वाले जो हैं शॉपिंग करने गए हैं 14 अगस्त की, और मैं आया हूँ बाबर और दिलबर भाई के पास। बाबर के पास? दिलबर भाई कहाँ गए हुए? दिलबर भाई तो गए हुए, चले गए वो। और जैसा कि अली सफाई करें, सफाई निस ईमान है, कर खुशी हुई अली मुझे। बाबर भाई को बोलो शुएब मलिक आया, वकानी है, बोलो शुएब मलिक आया। शुक्र हो। बाबर के साथ ना एक छोटा सा प्रैंक कर रहा हूँ, वो ये है कि उसको मैंने बोला कि शोएब मलिक आए, क्योंकि वो क्रिकेट का बहुत शौकीन है। तो अभी देखते क्या करते हैं, बस के रिएक्शन चेक करते हैं। नैना भैया की नैना ढूंढ रही है कि शोएब मलिक कहाँ पे। नैना को मैं दिखा नहीं हूँ, नैना देख लीजिए। नैना को मैंने बोला खामोश हो जाओ बाबर के आने तक। यार शोएब मलिक आपसे मिलने आए और आप जो है ना बाइक निकाल के जा रहे हो। उसने कहा ना शोएब मलिक, मैंने बोला यार उसका टाइम नहीं। ये किधर जा रहे हैं? सितारा जा रही है शॉपिंग करने। हम लोग दूसरे के पास। तो ये भी निकल रहे हैं, ये जा रहे हैं फुल रेडी होके। हाँ आ रही है 25 मिनट बाद। 25 मिनट बाद आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ सितारा की तरफ। अच्छा, वो वहाँ पे 14 अगस्त। चलो भाई चेक करो, ये 15 अगस्त मना रही है लगता है, ब्लू पहना हुआ है। अल्लाह, हाँ दोनों मना रहे हैं, दोनों ही हमारी कंट्री है। चलो भाई अभी ये रेडी होके जा रहे हैं, और फुल ये भी पाकिस्तानी बना हुआ है। हमजा बुखार है यार। क्या हुआ? हमारे घर में सब बच्चों को बुखार है। मुझे भी बुखार है, मेरा भी गला ख़राब है, नज़ला है। चलो आप जाओ, मौसम चेंज हो रहा है ना, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। तो अभी मुस्तफ़ा और बाबर के घर के बाद मैं अपने बिजली वाले घर आया हूँ, जो घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और ये बैठे हुए अदनान। अदनान जो है ना इस पूरी बिल्डिंग का ख्याल रखते हैं, और कोई भी मसला हो ना अदनान जो है ना उसको देखते हैं। क्यों अदनान? मसला हो वकार भाई से पहले अदनान देखता है। अच्छा, अदनान
इंसान अभी फिलहाल इस घर में रह रहे, तो कह रहे हमें ये घर दे दो, ये घर अच्छा है आपको, ऊपर फोर्थ फ्लोर मिलेगा ना, वो अच्छा नहीं है फोर्थ फ्लोर, अच्छा है ना। चलो अभी बकार भी जा रहे हैं, ठीक है फिर मिलते हैं, ठीक है अपना ख्याल रखना। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो अभी मैं घर आ गया था रेडी होने, क्योंकि आसफ ने ग्रीन पहना हुआ था 14 अगस्त से, तो मैंने भी ग्रीन टी शर्ट वियर कर लिए। और अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा से गिजरी सितारा बाजी के घर। तो आज मैंने ऑफिस की वैसे लीव ली थी क्योंकि मेरी सुबह तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उसके बाद मैंने सितारा बाजी का व्लॉग देखा तो वो काफ़ी मुझे शॉकिंग लगा, तो मैं फ़ौरन से सितारा बाजी के घर पहुँचा। काफ़ी देर सितारा बाजी के घर बैठा रहा, फिर उसके बाद जो है सितारा बाजी वाले शॉपिंग के लिए निकल रहे थे, तो उसके बाद मैं जो है वापस बाबर वालों से मिल के घर आ गया। तो अभी मैं रेडी होकर दोबारा जा रहा हूँ गिजरी की तरफ। कि मैं मुस्तफ़ा और अहमद गए थे, अहमद के जो है वो कपड़े लेके आए, वहाँ पर जो है मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए हम लोग जो है वीडियो नहीं बना सके। कपड़े जो है मुस्तफ़ा ने जो है सेलेक्ट किए, ये 14 अगस्त। वाओ अहमद, चश्मा है, चश्मा भी लिया है भाई, ये कैप है, ये टोपी है। और ये देखें भाई, अहमद की हो गई है शॉपिंग पूरी 14 अगस्त की, लेकिन मेरे पास जो है पाकिस्तान की टी शर्ट नहीं है, तो अभी मैं मुस्तफ़ा कहीं से अरेंज करेंगे। तो मुस्तफ़ा ने भी शॉपिंग कर ली। मुस्तफ़ा आपने क्या किया है? मैंने शर्ट लिया, ठीक है। अहमद के ग्लासेस, अहमद माशाल्लाह अच्छे लग रहे हो भाई, पर यू आर लुकिंग गुड। ऐसे करते हैं ना। अहमद और मुस्तफ़ा भी गेम खेल रहे हैं। मुस्तफ़ा, अरे भाई सफ़ा, मैं माउस क्यों नहीं काम करता। मैं और मुस्तफ़ा अभी जा रहे हैं कुछ खाने, और इसके अलावा मैंने जो है अपने लिए क्या परचेज करनी है, क्या करनी है, टी शर्ट परचेज करनी है भाई। अभी हम आए टी शर्ट लेने की, लगी हुई है बट जो मुझे चाहिए वैसी नहीं मिल रही। कोड चेक करें, ये जो है कोड किस तरह चलती है, ये जो है आग से चल रही है, इसके अंदर जो है अंकल ने आग लगाई हुई है और ये चल रही है, ये देखिए स्पीड तेज हो गई, आग तेज करेंगे तो फिर बोर्ड की स्पीड भी तेज होगी। निकाल सकते हैं, निकाल के ये देखिए अभी बोर्ड रुक जाएगी, यहाँ बोर्ड रुक गई है, अब ये बोर्ड रुक गई है और इसमें आग दोबारा डालेंगे तो बोर्ड तेजी से चलेगी, ये देखिए। अंकल ये कितने की है? अंकल कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो है वो 800 की मिल रही है, बट ये जो है 200 की दे रहे हैं, तो परचेज कर लेते हैं। हम पीने आए नींबू पानी, कैसा है मुस्तफ़ा नींबू पानी? हमने जो है टी शर्ट परचेज कर ली है और इसे हम रिवील कहाँ करेंगे? घर जाके रिवील करेंगे। तो अभी जो हम जा रहे हैं वापस, और ये देखो ये पता नहीं चीज है लेकिन क्या है, लेकिन ये लाइट से सजी हुई है, पता नहीं कैसे इसके ऊपर लाइट डाली हुई है। 14 अगस्त है ना, सुबह से ग्रीन ग्रीन कलर आया है उसके ऊपर, और अब हर एक वो जो है ना, यानी कि मॉल वगैरह और ऐसी ये सजी हुई है, और ये क्या, ये पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। और अभी हम लोग तीन तलवार पहुंच चुके हैं, ये रही तीन तलवारें, दो तलवार के अंदर तो भाई दो यानी के पिलर खड़े हो गए, और तो डिजाइन दे दिए तलवार का, ये ज्यादा अच्छा दिखता है। तो ये फ्लैग लेके आए हैं साजिद भाई और सितारा भाई, मैं छत पे लगाऊंगा ये इसको। और तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ओके। वैसे हमने टी शर्ट रिवील करनी थी, तो मैं कहता हूँ कि इससे कल ही रिवील करेंगे, कल मैं पहन के आऊँगा तभी रिवील करेंगे। कलर तैयबा तैयबा, हम जो है वो टी शर्ट रिवील करें नहीं करें? कल करेंगे, तैयबा भी कह रही है कल करेंगे, और तैयबा ने छुपा के रखी है, देखो तैयबा ने छुपा के रखी है, रिवील नहीं करने थी, तैयबा कह रही है कल करनी है। तो तैयबा ने हेयर कट करवाए और काफ़ी अच्छी लगी है माशाल्लाह। तैयबा ये किसने कटिंग की? मम्मा ने की है, खुद ही की है भाई। और मुस्तफ़ा कुछ लेके आए, मुस्तफ़ा क्या दिखा रहे हैं मुझे? वाओ नाइस, और टी शर्ट मेरे पास आ गई है, तैयबा ने मुझे रिटर्न कर दिया, लेकिन इसको रिवील करेंगे कल, मैं पहन के रिवील करूँगा। क्यों तैयबा? हाँ तैयबा ने बोला पहन के करना, ऐसे नहीं करना, और ऐसे करना तो करो, लेकिन कल करो। चलो ठीक हो गया, चलो ओके तैयबा,
इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। तो कल मैंने जल्दी उठना है और मैंने जाना है ऑफिस, और ऑफिस के बाद मैं आऊँगा मुस्तफ़ा को लीड डाउन, क्रिकेट खेलेंगे हम, और फिर हम जो है कल 14 अगस्त की सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए तो गाइज़ आज का व्लॉग जो है मैंने सितारा बाजी के घर से निकलते हुए एंड कर दिया था, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं डिस्कस करना भूल गया था। और काफ़ी मुझे सुबह से मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सितारा यासिन को क्या हुआ है, क्या वो व्लॉगिंग छोड़ रही हैं, ऐसा क्या हुआ है। दरअसल मैंने आज ऑफिस से लीव ली थी क्योंकि मेरी आज तबीयत ख़राब थी, और सुबह मैंने जैसे ही अपना व्लॉग अपलोड किया उसके बाद सितारा बाजी ने कुछ ही देर बाद अपना व्लॉग अपलोड किया, तो वो व्लॉग तो नहीं था, एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें उन्होंने जो है काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट शो की थी और वो रो भी रही थी। तो ये काफ़ी शॉकिंग वीडियो थी मेरे और तमाम व्यूवर्स के लिए। उसके बाद मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए और काफ़ी कमेंट्स भी आए कि मतलब हुआ क्या है, अचानक से वो व्लॉगिंग एंड क्यों कर रही है। तो मैं फ़ौरन से उनके घर पहुंचा, वहाँ पर साजिद भाई, सितारा बाजी और मुस्तफ़ा भी थे, तो उनका काफ़ी मूड भी ऑफ था और वो काफ़ी जो है मायूस थी। बेसिकली उनके कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, क्योंकि उनके जो अपने हैं जिनका चैनल सितारा यासिन की वजह से जो है ग्रो हुआ है, जिनकी रोज़ी सितारा यासिन की वजह से चल रही है, वो भी उनके ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें करने लग गए हैं, और वो भी यही मतलब ऐसा पता क्यों कर रहे हैं, वो शायद यही चाह रहे हैं कि सितारा यासिन जो है व्लॉगिंग छोड़ दे। लेकिन मुस्तफ़ा, मैंने साजिद भाई ने उनको यही समझाया कि अगर आप ऐसा करेंगी तो उनका मकसद पूरा होगा, आप क्यों उनको जो है कामयाब करिए, आप अगर ऐसा करेंगी वो चाहते ही यही है कि आप व्लॉगिंग छोड़ दें। तो आपके साथ जो है आवाम का साथ है, आपके साथ जो है हमारा सपोर्ट है। तो काफ़ी जो है उनको हमने मतलब मोटिवेट किया, काफ़ी देर तक बैठा रहा। उसके बाद वो जो है शॉपिंग पे जा रही थी 14 अगस्त की, काफ़ी उनका मूड थोड़ा सा बेहतर हुआ क्योंकि वो काफ़ी अपसेट थी, तो काफ़ी हद तक उनका मूड बेहतर हुआ, वो गई शॉपिंग की उन्होंने बच्चों के लिए 14 अगस्त की। तो इंशाल्लाह कल वो 14 अगस्त भी सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह, और मैं भी जाऊँगा, मैं भी उनके साथ सेलिब्रेट करूँगा। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा किस तरह यासिन जो है वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से ही है। वो इंशाल्लाह कल अपना व्लॉग अपलोड करेंगी, और वो हमेशा की तरह जो है एक बाहिम्मत औरत है, और वो इतना जल्दी गिरने वालों में से ही है। तो बस यही कहूँगा, और बाकी यही है कि इसी तरह उन्हें सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग अपना एंड करता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आज ख्याल रखिएगा।